आज बिहार के लोगों को 102 एम्बुलेंस की सेवाएं बिल्कुल नहीं मिलेंगी, और साफ वजह है कि गर्दनी बाग में धरना स्थल पर इस बार एम्बुलेंस खुद धरना देने पहुंच गई है। देखिए यहां पर जितनी बड़ी तादाद में एम्बुलेंस पहुंची है, ऐसा लग रहा है कि जितने एम्बुलेंस कर्मचारी हैं अब उन्होंने ठान लिया है कि आज हम सेवा तो बिल्कुल नहीं देंगे। वजह है उनकी कई मांगे, सरकार से निराशा है, नीतीश कुमार से परेशान है, तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाले हैं लेकिन इनकी समस्याओं पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अपने साथ साथ वो इन एम्बुलेंस को लेकर धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके पूरे जिम्मेदार बिहार की सरकार है, क्योंकि कर्मचारियों का जो वेतन है 4 महीने से नहीं मिला है, यानी कि जो दूसरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं उनका स्वास्थ्य बिहार सरकार ने खराब कर दिया है, क्योंकि उन्हें 1 रुपया नहीं दिया गया है 4 महीने से। रोजी रोटी के लिए भी मुश्किल आ गई है। और देखिए गर्दनी बाग में धरना स्थल आपको ले चलते हैं, ये सारे एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है चारों तरफ, और यहाँ पर आगे चलकर सारे जो एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं वो बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर। इन कर्मचारियों का जो प्रदर्शन है बहुत मायने रखता है, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन को सीधे प्रभावित करती है। अब स्वास्थ्य कर्मी जो स्वास्थ्य आपका ध्यान रखते हैं उनके स्वास्थ्य का सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, और इसीलिए आज इस गर्मी में भी देखिए आपको दिखाते हैं कि ये देखिए कितने यहाँ पर सैकड़ों एम्बुलेंस के कर्मचारी बैठे हुए हैं जो सेवाएं देते हैं प्रदर्शन करने पर मजबूर है। सीधे से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से क्यों परेशान है। नीतीश कुमार तो छोड़िए, तेजस्वी यादव जो कि स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभालते हैं वो क्यों इनकी नहीं सुन रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं यहाँ पर तमाम लोग जो हैं, तो देखिए एक बार आपको दिखाते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले लोग हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? वरुण कुमार। अरुण जी आज आप वरुण जी आज आप लोगों का पूरा देख रहे हैं कि एम्बुलेंस हजारों की तादाद में आप लोग लेकर पहुँचे हैं, क्या वजह है आप सारे कर्मचारी आज उठ गए, वेतन 4 महीने से नहीं दिया? ये जो एम्बुलेंस आप गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो देख रहे हैं हजारों की संख्या में, ये हमारे बिहार सरकार की नीति के वजह से खड़ी है। ये हमारे एम्बुलेंस कर्मचारी की वजह से नहीं खड़ी है, ये बिहार सरकार की नीति की वजह से खड़ी है। ये इसलिए खड़ी है क्योंकि बार बार बिहार सरकार को मतलब टेंडर में देने की क्या जरूरत है, जब एम्बुलेंस सरकारी है और नियोजन कंपनी को 1-1.5 लाख रुपया वो देती है चलाने के लिए, तो फिर हम लोग एम्बुलेंस कर्मचारी को क्यों नहीं वो रखती है? ये वही वजह है सरकार की एक गलत रणनीति के वजह से ये खड़ी है। कि सरकार आपकी सीधे भर्ती क्यों नहीं करती? सीधे भर्ती क्यों नहीं करती है? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में आपको रखा है और कॉन्ट्रैक्ट में जिसके हैं वो पैसे भी नहीं दे रहा है। बिल्कुल, ये कॉन्ट्रैक्ट 2012 से चल रहा है मैम। पहले हमारे कॉन्ट्रैक्ट को लेने वाले डॉक्टर जैन वीडियो विल्स थे, जो कि 2014 में ही वो ब्लैक लिस्ट होकर बिहार को छोड़कर चले गए। वो हमारा 10 महीने का वेतन PF, PS, IC वगैरह लेकर चले गए। अच्छा। बाद में 3 साल तक राजस्व समिति जो है ये अपने खुद अपने अंडर में चलाई और हम लोग को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ, समय से वेतन समय से सब कुछ मिलता रहा, ड्यूटी भी अच्छे से करते रहे। लेकिन जब ये सम्मान फाउंडेशन और PDPL कंपनी जब से आई है, तब से हमारे जितने एम्बुलेंस कर्मचारी भाईगण हैं उन सब के घर में ठीक से चूल्हा तक नहीं जल रहा है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट पर सरकार जो दे देती है और आपको कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो भर्ती किया जाता है उस वजह से आपका वेतन रुका हुआ है। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग संभालते हैं, आपको लगता है कि उन्होंने वाकई में कुछ काम किया है स्वास्थ्य विभाग में? आप लोग तो सड़क में हैं। बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं किया है। उन्होंने वादा किया था कि मैं जितना विभाग है स्वास्थ्य विभाग का, खास करके उन्होंने कहा था कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हमारे ठेका प्रथा में हैं मैं उनको बिल्कुल ही मतलब नौकरी के लायक कर दूंगा, लेकिन वो सारी बातें फेल हो गई। अभी मैं आपको बता दूं, न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने भी राजस्व समिति को लिखा है कि एम्बुलेंस राजस्व समिति में जितने भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो खर्च हुआ है वो सारे का ब्यौरा दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल कटघरे में खड़े हैं उनका। अब हम लोग का बस यही अंतिम सवाल आप लोगों से, जिस तरह की परेशानियां देख रहे हैं कि आप पूरा पसीने से लथपथ है इस गर्मी में, आप लोगों को जहां लोगों की सेवा करनी चाहिए आज आप खुद बीमार लग रहे हैं, स्वास्थ्य देने वाले खुद बीमार हो गए हैं, सरकार को कैसे सबक सिखाएंगे, कैसे याद दिलाएंगे कि आपको हमारे लिए करना है? चुनाव नजदीक है और चुनाव पर कैसे चोट करेंगे? मैम देखिए, चुनाव से हमें कोई लेना देना नहीं है,
चुनाव से मैं कोई लेना देना है, चूंकि मैं 2012 से मैं इसी बिहार सरकार में काम कर रहा हूँ, एम्बुलेंस चला रहा हूँ। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि आज हमारे पटना जिला के तमाम एम्बुलेंस कर्मी यहाँ मौजूद है और तमाम एम्बुलेंस मौजूद है, लेकिन आपको बता दूँ कि कल से हो सकता है कि हमारे बिहार के और तीसों जिला एक ही मंच पे आ जाएंगे। यानी इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब आने वाले वक्त में पूरे बिहार के एम्बुलेंस कर्मी जो है प्रदर्शन करेंगे और पूरे बिहार में जो एम्बुलेंस की स्वास्थ्य सेवा है वो ठप हो जाएगी। यानी नीतीश कुमार को अब ये सीधा चैलेंज है कि या तो हमारी समस्याओं पर काम कीजिए, नहीं तो हम आपका सारा काम छोड़ देंगे और धरने पर बैठ जाएंगे। अब आप यकीन मानिए कि अगर सारे बिहार के एम्बुलेंस कर्मी धरना प्रदर्शन करने पर बैठ जाते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। अब देखिए, लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं, उसकी भी कुछ झलकियाँ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जायज है। रोष कितना ज्यादा है, हमारी पूरी नजर रहेगी कि इनके इस मामले में सरकार क्या कुछ कार्रवाई करती है और इनका धरना कब तक जारी रहता है। बता दें कि मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि सरकार इनकी ओर कुछ ध्यान देने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए।